हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं दमोस प्लेयर, आप देखो दमोस प्लेयर। स्वागत है आपका एक ताज़ा तरीन नए वीडियो एंड यप, मुझे तुम लोगों से कुछ शेयर करना है यार। मैं अपनी ज़िंदगी से बोर आ गया यार, मतलब लिटरली यार, मतलब सिर्फ रोज़ उन जानवरों को मारना, मासूम से निर्मम जानवरों को मारना एंड उन्हें दूसरों को खिलाना। मतलब आई लव दिस विलेज के लोग एंड मेरे छोटे छोटे जानवर, बट यार मैं बोर आ गया हूँ, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। आई एम थिंकिंग ऑफ अ प्लान, तो देखते हैं क्या होता है। सो, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक देखना है, मजे आते तो लाइक कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो मेरे पास थोड़ी बहुत स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, मतलब स्टार्टिंग की चीज़ें के ढंग की चीज़ें हैं, बिकॉज मैं एंड रेड करके आया था एंड थोड़ा बहुत सामान मुझे रवि ने दे दिया था, ठीक है ना। बट जो एक बड़ी चीज़ है जो कि मेरे पास नहीं है, वो है एक एंडर चेस्ट। मतलब ये वाला घर मेरा है, ये वाला घर रवि का है, मैं रवि के घर में जा रहा हूँ सामान चुराने। नहीं, एग्जैक्टली नॉट, मुझे बस देखना है क्या उसके से एक ब्लेज डस्ट है क्या यार। ओके, तो मैंने वैसे तो उससे थोड़ा सामान उधार लिया है, आई होप वो बुरा नहीं मानेगा, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं लिया। एक रॉड, दो रॉडें लेनी है, कोई बात नहीं, चलता है उतना सा आई थिंक वो मैनेज कर लेगा, उसके बाद बहुत सारी थी, ठीक है ना। तो एक हम लोग बना लेते हैं आई ऑफ एंडर और उस डस्ट को अपने पास ही रखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑब्सिडियन, उसके बाद हम लोग यहाँ पे से निकलने के लिए रेडी रहेंगे। वैसे अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ तो हम लोग को थोड़े गिफ्ट्स मिले थे, जो कि मैं जब उधर से जाऊँगा वॉल्ट में से तो उधर बताऊँगा तुम लोगों को। तो हम लोगों को कुछ शेल्कर्स मिले थे एंड कुछ शेल्कर्स तो मैं लेके भी आया था, तो समझ सकते हो मेरे पास कुछ शेल्कर्स पहले भी इससे भी थे कि जब मैंने एंड रेड किए थे तो मुझे शेल्कर सेल्स मिले थे। बट उससे पहले अभी हमें फ़िलहाल चलना है नीचे थोड़े से ऑब्सिडियन माइन करने। एंड ओ माय गॉड, ये थोड़ी डरावनी सी राइड थी, लेकिन आई होप यहाँ कहीं सामने ही मैंने देखा था ऑब्सिडियन है, लावा है तो ऑब्सिडियन होगा ऑफ कोर्स। तो बस उधर ही जाते हैं एंड थोड़ा सा ऑब्सिडियन जो है अभी के लिए फ़िलहाल के लिए निकाल लेते हैं, जहाँ पे कितना ज़्यादा अंधेरा है। आर यू सीरियस? एंड ये वाला मेरा नया वाला शेडर है, आई होप तुम लोग को अच्छा लगे, मतलब ये एकदम लेटेस्ट आया हुआ है, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं बट यप। एंड कोई ये मत पूछना कि मैं कर्स ऑफ वैनिशिंग वाली पिकैक्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे वहाँ पे मिली थी एंड में। एंड ऑफ कोर्स इसमें मेंडिंग सब कुछ लगा है, बस मैं मर ना जाऊँ इसीलिए मैं एक टोटम हाथ में लेके घूम रहा हूँ, आई होप मैं नहीं मरूंगा। एंड शील्ड्स का थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है कि मतलब स्मॉलर शील्ड्स अभी काम नहीं कर रही हैं, तो टोटम लेकर चलना ही ज़्यादा सही है मेरे ख्याल से। ओके, तो मैंने सफिशेंट अमाउंट ऑफ जो वो होता है क्या कहते हैं उसको, ऑब्सिडियन, वो गैदर मतलब कलेक्ट तो कर लिया है, अभी बस इधर से वापस जाना है एंड इधर से वापस जाना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता भाई, इतना मुश्किल है ना इससे बाहर निकलना कि क्या ही बताऊँ। अरे मैं वॉल्ट में दिखाता हूँ जो हमारा वॉन्डरिंग ट्रेडर है, मैंने इसे बोला था कि मेरे घर पर आकर सामान दे कर जाए, इसके लामाज निपटा दूंगा मैं किस दिन, ठीक है। तो उसने कहा था कि हम लोग को आके सामान देगा, बट इतना आलसी भाई कोई बंदा कैसे हो सकता है, मतलब लिटरली मुझे क्या ही बताऊँ, बहुत आलसी है हमारा वॉन्डरिंग ट्रेडर, ठीक है। नहीं यार, गलती मेरी है, मैं ही उसके टाइम पर नहीं आता हूँ ऑनलाइन, ठीक है ना, लेकिन उसको मेरे हाथ में देना चाहिए था। तो उसने यहाँ पे नीचे वॉल्ट में ही सारा सामान रखा था, इलाइट्रा एंड शेल्कर सबके लिए उसने पांच इलाइट्रा एंड सामान रखा हुआ था, ये देखो यहाँ पे। तो मेरा वाला इस वाले चेस्ट में था, मैंने निकाल लिया, अभी तो सारे गायब हो चुके हैं। और मेरे को सबसे बड़ी बात, पांच शेल्कर बॉक्स मिले भी नहीं जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड एक ड्रैगन हेड भी शायद इसे देना था बट उसने वो भी नहीं दिया। मतलब आई एम सीरियस, कितना ज़्यादा आलसी हो सकता है कोई, ठीक है मैं नहीं डालूंगा, ये पर डाल देता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं एक नई जगह की तरफ, जो कि मैंने एक ऑलरेडी डिसाइड करके रखी है, मैंने थोड़ा बहुत उधर ग्राइंड किया है, थोड़ा बहुत ही स्लाइट अप है, अभी चलते हैं उधर पहले तो डायरेक्ट हम लोग। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने नई वाली जगह पे। तो ये वाली जगह है यार, मैंने थोड़ा बहुत एरिया क्लियर किया है एंड मतलब यही वाला एरिया है जो कि मुझे थोड़ा पसंद आया है। वैसे तो मैं अपनी एंडर चेस्ट को यहीं पे अभी फिलहाल कहीं पर रख देता हूँ एंड एक घोड़ा ही मेरे को मिला है, तुम लोग पूछोगे उसमें डायमंड आर्मर कैसे, बताता हूँ, वेट करो बताता हूँ। तो ये रहा मेरा ये, एंड अगर मैं इसे कहीं पर रख दूँ, लेट सपोज यहाँ पर रख देता हूँ फिलहाल, तो मेरे नीचे एक बहुत बड़ी माइन शाफ्ट है एंड पास में ही एक जंगल टेम्पल था, तो उन दोनों को मैंने लूट किया था। इधर पर है कहीं पर जंगल टेम्पल एंड माइन शाफ्ट तो मेरे जस्ट एग्जैक्टली नीचे ही है एंड बहुत बड़ी माइन शाफ्ट थी, तो उसको मैंने लूटा है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखो चेस्ट के अंदर बहुत सारा सामान है, डर्ट वगैरह देख कर तुम लोग समझ जाओगे कि मैंने यहाँ पे क्लियर आउट किया था एरिया, ठीक है ना। एंड गोल्ड भी एक स्टैक मिल गया था, तीन स्टैक आयरन मिला था, डायमंड्स भी थोड़े बहुत यहाँ से मिले थे एंड थोड़े बहुत डायमंड्स, मैंने 12 डायमंड्स अप्रॉक्सीमेटली
वॉल्ट से उठाए थे, थोड़े बहुत डायमंड्स मेरे पास है और थे पहले से, जो कि मेरे को एंड रेड करते टाइम मिले थे, यानी कि मेरे पास अभी थोड़ा बहुत सफिशियंट अमाउंट ऑफ डायमंड भी है फॉर रिपेयरिंग माई आर्मर, जिसके मेरा हेलमेट देख सकते हो एकदम खत्म हो चुका है, तो मुझे इसे रिपेयर करना ही पड़ेगा। एंड अनब्रेकिंग 3 वगैरह मैं मनोज के विलेजर्स से ले लूँगा, बिकॉज उसके विलेजर्स अभी फिलहाल ले बैठे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन लोगों को भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। एंड ये जो एरिया है, अगर मैं तुम लोग को इस एरिया का थोड़ा सा जस्ट दूँ कि अभी इसमें क्या क्या होने वाला है, तो दो तीन चीज़ें आज के एपिसोड में मैं बनाने वाला हूँ एंड कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो कि हम लोग मे बी फ्यूचर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब मैं तुम लोग को एक जस्ट देता हूँ कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा होगा हमारा कैसल, जो कि हमारा मेन कैसल होने वाला है इस बार का, हमारा जो बिल्ड होगा मेगा बिल्ड, ट्राई करेंगे मेगा बिल्ड होने का, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ट्राई क्या अच्छा ही करेंगे। अगर तुम लोग सोचो इस चेस्ट में पानी क्यों है, किसी को अनोइंग लग रहा है, तो अगर क्रीपर फूटेगा तो ये चेस्ट बच जाएगा, समझ रहे हो, 1200 IQ लगाया मैंने। तो वहाँ पे हमारा बनेगा मेन कैसल। अभी फिलहाल आज के वाले जो एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं वो है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक डॉक, जिसमें कि जो हमारी शिप्स हैं वो आके आराम से रेस्ट कर पाएँ, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग प्यारा सा डॉक बनाएंगे जिसपे कि शिप्स आएंगी। एंड एक छोटा सा हम लोग बनाएंगे अपना बीच हाउस, जो कि होगा उस वाले आइलैंड पे, इस वाले आइलैंड को मे बी थोड़ा और मॉडिफाई कर लें, एंड इस पर हम लोग एक छोटा सा बीच हाउस बनाएंगे जहाँ से कि एक ब्रिज कनेक्ट होगा मे बी यहाँ से, जो कि हमारे डॉक तक जाएगा, मतलब हमारा डॉक होगा इस साइड को फेसिंग मे बी, और इस साइड को देखेंगे हमारा कैसल होने वाला है। मे बी मैं एक डायगनल कैसल बनाऊँ, बट डायगनल कैसल बनाना इज़ वेरी मुश्किल, तो मे बी मैं इधर फेसिंग बनाऊँ, जैसा भी हो सकता है। डॉक हमारा मे बी हमारा डॉक में भी डायगनल कर सकते हैं, हाँ ये मैंने क्यों सोचा, हम लोग एक डायगनल डॉक बना लेंगे, इधर से एक हमारा ब्रिज आएगा हमारे बीच हाउस से यहाँ पे। बीच हाउस इसलिए बना रहे हैं बिकॉज फिलहाल के लिए हमारे पास वही बीच ही रहने वाला है। एक माइन एंट्रेंस में भी हम लोग बनाए, देखते हैं कि यहाँ पे, और एक हमें बनाना है फिशिंग एरिया, तो फिशिंग एरिया में भी हो सकता है उस आइलैंड में मैं बनाऊँ, या फिर एक राफ्ट बनाऊँ जो कि हमारे डॉक के पास हो, जिससे कि हम लोग फिशिंग कर पाए। तो मतलब आज के एपिसोड में सबसे पहले तो हमें बनाना है ये वाला डॉक एंड वो बीच हाउस। बीच हाउस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे कहीं पे तो रैन बसेरा करना पड़ेगा ना। ओके, तो मैंने ग्राइंड तो किया था थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा ग्राइंड भी नहीं किया है, थोड़ा बहुत ग्राइंड किया था एंड थोड़ा बहुत रिसोर्सेज जमा कर लिए। दूर गया था स्प्रूस लाने, लेकिन उसके बाद पॉटजॉल मिली वहाँ पे, बहुत सारी पॉटजॉल वाला एरिया है यहाँ पे पास में, एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट बायोम्स में से वो, तो मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट शायद वही है। तो वहाँ से मैं बहुत सारा पॉटजॉल भी लेके आया, सैंड वैंड थोड़ा जमा किया है एंड थोड़ा और वुड भी जमा किया है, तुम लोग देख सकते हो। एंड बीच में मैं थोड़ा सा गया था वहाँ पे नेदर, मतलब क्या कहते हो उसको, नेदर फोर्ट्रेस में मनोज और ऋषि के साथ। एंड यहाँ पे तो अगर तुम लोग देखो तो यहाँ आइलैंड जो है वो बड़ा हो चुका है, इस आइलैंड को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, अगर नीचे से चल के दिखा पाऊँ तो रुको, एंड देख सकते हो आई एम बैक विथ माई ओल्ड स्किन, बिकॉज अभी हम लोग विलेज से बाहर हैं, तो विलेज से बाहर हम लोग इन कपड़ों में घूम सकते हैं। और अगर तुम लोग को मेरी दाढ़ी अच्छी लगी थी तो बता सकते हो मैं इस स्किन में दाढ़ी डाल दूंगा, बिकॉज आई लव बियर्ड। एंड उसके सिवाय मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग भी की एंड हेयर इट इज़ ओके, मेरी इन्वेंट्री में ही है ज़्यादातर सामान, बिकॉज रात में थोड़ी और की थी, पहले की थी तो भाई जन तो मेरा मतलब सीधा सीधा सिस्टम है, मुझे समझ में आ चुका है मुझे क्या करना है, पहले मुझे माइन करना है, फिर उसी माइन में अगल बगल खोदना है, जैसे मैं अगल बगल खोदता हूँ मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले तो इन 51 वालों को माइन करते हैं एंड देन माइन करने के तुरंत बाद हम लोग जाएंगे एक टाइम लैप्स में होप करेंगे, क्योंकि इस पूरे घर को भी बनाना है एंड बहुत ही ईजी सा घर है, एक छोटा सा बीच स्टार्टर बेस है जो कि मेरा खुद का डिज़ाइन है, किसी का कॉपी डिज़ाइन नहीं है ऑफकोर्स, तो वो बना लेते हैं। तो पहले तो इन्हें माइन कर लेते हैं। हाँ ऑफकोर्स दो स्टैक नहीं है, एक स्टैक और 51 डायमंड्स, बट दैट्स नॉट बैड, ठीक है अच्छे हैं। एंड मेरे थोड़े और डायमंड्स भी थे, पता नहीं कहाँ गए, मैंने कहीं पे तो रख दिए हैं, पता नहीं, मेरी एक दो स्वॉर्ड्स भी नहीं मिलती, मैंने कहीं पे तो कुछ तो रख दिया, मे बी विलेज में रखा होगा, तो अभी इनको मैं ब्लॉक्स में चेंज करता हूँ, देखता हूँ कितने ब्लॉक्स हैं। ओके अमीरी, ओह अमीरी, इतनी अमीरी है भाई, 16 ब्लॉक्स एंड 8 डायमंड्स, दिल में दर्द हो रहा है अमीरी देख के तुम्हें। ठीक है इनको यहाँ पे रख देते हैं, अभी इनको मैं बाहर रखने का कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, तो इनको यहाँ पे रख देते हैं एंड देन हम लोग चलते अपने टाइम लैप्स की तरफ।
तो हमारा जो बीच हाउस है वो फाइनली बन चुका है। इन सामने देख सकते हो भाई, ये एक्चुअली शेड, ये बीच में तुम लोग को एक बार शेडर चेंज दिखा होगा, ठीक है ना। तो वो शेडर चेंज इस वजह से था क्योंकि भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ और रेगुलर होने के चक्कर में मैं छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और कभी कभी शेडर चेंज कर लेता हूँ मन के हिसाब से एंड उन सब चक्करों में। ये शेडर की लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार, ये शेडर सीरियसली ऑसम लगता है। मतलब तुम एक बार बस इसका इफेक्ट देखो भाई, पानी का भाई, ये पीसी वाला इफेक्ट देता है, कसम से बता रहा हूँ। स्काईलेक का शेडर है, यामरिन का नया नया है एंड इसके इफेक्ट्स ना मतलब कतई जहर है, एकदम सीरियसली एकदम कतई जहर वाला शेडर है। एंड ये है हमारा छोटा सा बीच हाउस, जो कि एक्चुअली बाद में बनाने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा मंदिर जैसा लग रहा है। अगर तुम्हें भी ये मंदिर जैसा लग रहा है तो कमेंट्स में बताना कि हाँ भाई ये मंदिर जैसा है। एंड ये भाई रात में भी जब ग्लो आने वाला है ना, आइए भाई क्या ही ओपी लग रहा है। तुम लोग एक बार खुद देख के बोलो भाई ये ओपी लग रहा है या नहीं। एंड अभी अगर मैं तुम लोग को दिखाऊँ तो मैंने साइड में थोड़ा बहुत इसका डिटेलिंग किया है यहाँ पे, लाइक अगर तुम लोग देखो तो ट्रैप डोर्स लगाए। अभी एक और काम बाकी है जो कि है इस ग्रास के ऊपर थोड़ी सी बोन मील मारना है, बोन मील एंड थोड़े बहुत फ्लावर्स वगैरह लगाऊंगा। एंड यहाँ पे हमारा चांद निकल चुका है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज नाइट लाइफ आई लव इट। एंड नीचे मैंने थोड़ी सी ग्रास लगाई है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप्स लगाएंगे, ज़्यादा नहीं हल्का सा। एंड यहाँ पे बीच मैंने ये थोड़ा एक मॉसी कॉबल स्टोन के ऊपर ऐसे किया है, उसके नीचे वाटर एक स्लैब है, वो अपर स्लैब है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा था एंड मतलब कसम से बता रहा हूँ ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना ये पूरा बिल्ड। एंड ऊपर से भी मैं तुम लोगों को चल के दिखाता हूँ अंदर से एक्चुअली मैंने कैसे किया है। अभी मैंने अंदर कुछ ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन तुम लोग बता सकते हो कि मैं क्या करूँ यहाँ पे, मतलब इस घर के अंदर मैं क्या बनाऊँ। जनरली मेरा बेडरूम जो है वो ऊपर है, जो टावर बना है उसके बीच में, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँ। एक्चुअली मैं एन्चेंटमेंट सेटअप वगैरह यहाँ पे नहीं लगाने वाला बिकॉज एन्चेंटमेंट सेटअप के लिए भी अलग से बिल्ड्स होंगे, बिकॉज इस बार का हमारा पूरा बिल्ड जो है वो कुछ इसी तरीके का ही होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ से ऊपर चलूँ तो यहाँ पे तुम लोग ऊपर आने के बाद देख सकते हैं एक मेरा छोटा सा बेड, क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट है। इस चेस्ट में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि सारा सामान तो उधर पड़ा है। स्टोरेज का भी हम लोग एक कुछ बड़ा सा बनाने वाले हैं, तो देखते हैं अभी उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग। एंड ये भाई बिल्ड जो है मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही सुंदर सा एक प्यारा सा बिल्ड है। अगर तुम लोग को कैसा लग रहा है तुम लोग बता ही सकते हो कमेंट्स में यार। एंड अगर अच्छा लगा हो तो बता देना ऐसे, मतलब बहुत लोगों ने बोला था कि एक सर्वाइवल बिल्ड का, सर्वाइवल स्टार्टर बेस का वो बनाने के लिए, तो अगर तुम लोग बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मतलब इसका लुक कुछ ज़्यादा ही ओपी है, मतलब तुम लोग खुद भी देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही ओपी इसका जो डिज़ाइन है ना, इतना प्यारा सा है। एंड बिकॉज ऑफ मेकिंग इट ऑन अ कस्टम आइलैंड, और ज़्यादा ही प्यारा सा लुक आ रहा है इसका। मतलब तुम लोग बताओगे अभी, लेकिन हमारा जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है बिकॉज अभी हम लोग को बनाना है एक डॉक, जो कि डॉक हम लोग इधर बनाने वाले हैं। एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ मच क्लियरर वाटर, जिसके अगर तुम लोग भाई पानी में देखो तो पानी में थोड़े बहुत पार्टिकल्स दिखते हैं तुम लोग को, तो क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पानी को थोड़ा और क्लियर कर दूँ, मतलब बिल्कुल क्लियर वाटर ऐसे लहराता हुआ, लेकिन वो ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। बट देखेंगे, अगर तुम लोग पास कुछ सजेशन हो तो बता सकते हो, ठीक है ना। एंड ये बिल्ड भाई बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सा सामान लेके आते हैं एंड अपना डॉक का एरिया डिसाइड करते हैं, देन डॉक को बना लेते हैं अभी तो पहले। ओके, तो मैंने मतलब डिसाइड किया कि मतलब हमारा जो डॉक होगा वो मतलब इधर साइड से यहाँ पे से बनाएंगे, एंड वो आते हुए उतरेगा तो हमारा डॉक जो होगा वो इधर साइड पे होगा। आई होप जो कि मैं सोच रहा हूँ वो थोड़ा ठीक लगे बस। तो मतलब हमारा जो डॉक हम लोग बनाने वाले हैं वो बनाएंगे कुछ इस जगह से, सपोजली यहाँ भाई लग जा भाई। यहाँ पे ट्रैप डोर्स लगाना थोड़ा सा शायद मुश्किल होने वाला है मेरे लिए बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग ट्रैप डोर्स टू मच, मतलब मैं ज़्यादा ट्रैप डोर्स यूज़ करता नहीं हूँ। बट देखते हैं थोड़ा सा इसको प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा के कि कैसा जाता है ये। ओके, तो अगर तुम लोग ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्सटेंशन है वो यहाँ तक बनाया है। एंड नाउ आई वॉन्ट कि मतलब जो हमारा पोर्ट हो, मतलब कि जो भी है ये क्या कहते हैं इसको, मैं भूल जाता हूँ, पोर्ट है। अब ये मतलब कि इधर साइड से आ रहा हो, मतलब कि लाइक दिस, ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया से हमारा जो पोर्ट है वो आ रहा हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत स्लैब्स यूज़ करूँगा। बाद में मैं उनमें थोड़ा बहुत कैंप फायर जो है वो मिक्स कर दूंगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ इस तरीके से घूम के आता हुआ है हमारा जो मतलब ये पोर्ट है, तो लेकिन देखते हैं कैसा जाता है। मैं थोड़ा सा ट्राई आउट कर रहा हूँ एंड देन बना के तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके, तो मैंने तो पहले तो इसको थोड़ा 3 था तो मैंने इसको थोड़ा सा चौड़ा और कर दिया है। एंड यहाँ से यहाँ तक मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिया है,
मतलब सपोजली अगर हम लोग यहाँ से आते हैं तो कुछ इस तरीके से जाएंगे इसके ऊपर से, एंड दैट्स टेकिंग अ लिटल बिट ऑफ शेप। अभी मैं इसके आसपास का मतलब थोड़ा सा इसको आर्चवे टाइप करने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ कितना आर्चवे बन पाता है इधर में, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही डायगनल और कर्वी सा हो गया, मे बी मेरे को थोड़ा मुश्किल हो, बट ट्राई करता हूँ मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा सा आर्चवे दोनों साइड पर बना के। ओके तो ठीक है, देखो ये हमारा प्यारा सा डॉक, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ तो एकदम हेवी वाला कुछ नहीं है लेकिन, बट ओके ओके और सुंदर सा प्यारा सा एक डॉक है हमारा। यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी बहुत बोर्ड्स लगाएंगे एंड लीड्स अटैच करेंगे। वैसे तो मैं इस वाले टावर को अगर तुम देखो तो इस वाले को मैं एकदम ठीक से नीचे ले गया हूँ, एंड वैसे ही मैंने इधर भी किया है, इन दोनों को भी लेकर जाना है, इसको भी लेकर गया हूँ बहुत सारा बट एकदम नीचे नहीं। लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी दिक्कत होता तो मेरे पास नहीं है रेस्पिरेशन, ठीक है, मतलब मेरे हेलमेट पर रेस्पिरेशन नहीं है, एंड एक तो मैं डूबने से इतना मर रहा हूँ और ऊपर से ड्राउनर्स हालत खस्ती कर रखी मेरे आर्मर की, एक बार ज़रा देखो मेरे आर्मर को, ठीक है ना, मैं ऐसे नीचे नहीं जाना। अब मैं पहले रेस्पिरेशन लूँगा एंड देन इनको नीचे से कनेक्ट कर दूँगा। इनके ऊपर दो ऐसे छोटे छोटे लालटर्न्स लगाई हैं और उधर भी ऐसे थोड़ा सा लैंटर्न, और इधर एक ये क्या कर रही है, हटो इधर से, सस्ती चीज़ें नहीं लगाते हम लोग अपने बेल्ट में। एंड ये रात में बड़ा ही ओपी सा लग रहा था, एंड ऐसे नॉर्मल भी बिना रात के भी मतलब अच्छा सा प्यारा सा लग रहा है एक डॉग। अभी हम लोग को इसको भी थोड़ा सा कनेक्ट करना है, और अगर कुछ इन दोनों में कोई इम्प्रूवमेंट हो तो बता सकते हो, मे बी शायद अगले में हम लोग एक माइन एंट्रेंस पे काम करें और दो तीन फार्म्स पे, बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत अभी खाने की। जनरली मैं हर बार एक क्रॉप फार्म बनाता हूँ तो मे बी हम लोग इस बार भी एक क्रॉप फार्म बनाएंगे ही कहीं आस पास, बट थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के साथ एंड थोड़ा बहुत एक और टॉर्च, उफ ये सस्ती चीज़ें, तो उसको भी थोड़ा डिज़ाइन के साथ एंड थोड़ा हट के देखते हैं कैसा बनता है एंड कैसा सब कुछ बन के निकलता है। आई होप तुम लोगों को ये दोनों बिल्ड्स अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं कौन नए गेमिंग एपिसोड में, टिल देन बाय बाय। और अगर कोई भी चेंजेस चाहिए ना इन दोनों में तो बता देना, ठीक है, मेरे को मतलब अभी ये दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लिटरली एक वो छोटा सा मंदिर मेरा एंड एक डॉग, ठीक है, बाय बाय।